ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 27 जनवरी 2013 रविवार की सुबह पुणे के एक होटल से लोकल पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है। पुणे से गिरफ्तार किए गए शख्स को जल्द ही केरल पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इस शख्स पर आरोप था कि उसने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक NRI बिजनेसमैन की SUV चुराई थी जिसकी कीमत 28 लाख रुपए थी। और जब ये बात मीडिया को पता चली तो हर अखबार और टीवी न्यूज चैनल पर इस शख्स के पकड़े जाने की खबर दिख रही थी जिसने 500 से ज्यादा चोरियां की। इसका नाम था देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी चोर उर्फ सुपर चोर। दुनिया में कई अलग अलग तरह के चोर मौजूद हैं। कोई हिंसा कर चोरी को अंजाम देता है तो कोई रात के अंधेरे में, लेकिन देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी इन सबसे अलग और सबसे शातिर था। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि बंटी पकड़ा कैसे गया, उसके पहले ये जान लीजिए कि ये देवेंद्र उर्फ बंटी चोर कैसे बना। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में शातिर चोर बंटी का बचपन बीता। उसकी बदमाशियों के कारण इलाके के लोगों के साथ साथ परिवार भी परेशान रहता था। इसी आवारागर्दी और गुंडागर्दी के कारण बंटी के पिता ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया, लेकिन इसका बंटी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अब बंटी गुंडागर्दी के साथ साथ चोरी भी करने लगा। साल 1993 में बंटी ने पहली बार चोरी की, लेकिन वो जल्द ही पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन 20-25 लोगों के स्टाफ को चकमा देकर बंटी वहां से फरार हो गया। ये पहली बार था जब पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद बंटी भाग निकला था। उसके बाद बंटी लगातार चोरी करने लगा। जैसे जैसे बंटी इन चोरियों को अंजाम दे रहा था, वैसे ही उसके चोरी के तरीके अखबारों में छपने लगे। बंटी का चोरी का तरीका अलग था। वो ज्यादातर चोरी सुबह 5 से 6 के बीच किया करता था और चोरी करते वक्त उसके पास सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर होता था जिसकी मदद से वो दरवाजे और खिड़की के लीवर खोलता था, बिना किसी हिंसा के अपनी वारदात को अंजाम देता। बंटी सिर्फ महंगी ही चीजें चोरी किया करता था ताकि उन्हें बेचने के बाद उसे मोटी रकम मिल सके, और ये चोरी बड़े बड़े आलीशान घरों में होती थी। जिस घर में वो चोरी करता उस घर की गाड़ी को भी चुरा कर रफू चक्कर हो जाता था। क्योंकि बंटी को लग्जरी कारों का काफी शौक था, वो चोरी की हुई कारों को बेचता नहीं बल्कि किसी सुनसान जगह पर उन्हें छोड़ देता था। आलीशान घरों में चोरी को अंजाम देने के लिए उसने कुत्तों से डील करना भी सीख लिया था। इसी कारण उसने दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े शहरों में चोरी की। ज्यादातर मामलों में पकड़े जाने के बावजूद बंटी फरार हो जाया करता था। एक बार चेन्नई पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो ज्यूडिशियल कस्टडी के दौरान बंटी ने कांच के टुकड़े खा लिए, जिस कारण उसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट किया गया। वहां वो डिस्पोजेबल सीरिंज की मदद से हथकड़ियों को खोल कर भाग निकला। फिर एक बार वो चंडीगढ़ में पकड़ा गया, जहां वो पुलिस सब इंस्पेक्टर की स्कूटर को लेकर फरार हो गया। अपनी जिंदगी में बंटी ने कभी भी कोई महंगी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। उसकी जिंदगी होटलों में कट रही थी। वो किसी आम होटल में नहीं रुका करता था, हमेशा आलीशान 5-स्टार होटलों में ही अपनी जिंदगी गुजारता और महंगी गाड़ियां चोरी किए जा रहा था। छोटी गाड़ियों को चुराना वो अपनी शान के खिलाफ समझता था। ऐसा नहीं है कि बंटी ने कभी सुधरने की कोशिश नहीं की। 2003 में बंटी की गर्लफ्रेंड ने उसका साथ छोड़ दिया और परिवार ने भी बंटी से दूरी बना ली, जिसके बाद वो जासूस बनना चाहता था। इस काम में दिल्ली के लोधी रोड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजेंद्र शर्मा ने बंटी की मदद की, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद बंटी वापस चोरी करना शुरू कर चुका था। चोरी करना उसके लिए आदत बन चुकी थी। बंटी को नेपाल जाने का शौक था, तो ऐसी ही बड़ी बड़ी चोरी कर वो अक्सर नेपाल जाता, जहां वो इन चोरी की हुई चीजों को ठिकाने लगाता और वहां के आलीशान होटलों में मौज करता। नेपाल में बंटी ने हरी थापा के नाम से एक पासपोर्ट भी बनवा लिया था। नेपाल के बाद उसने श्रीलंका और बांग्लादेश में भी अपना जाल फैलाया। वहां भी उसने कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन फिर 2007 में वो पकड़ा गया और 2010 में जेल से बाहर आया। इसी साल 2008 में बंटी की लाइफ पर बनी फिल्म ओए लकी लकी ओए रिलीज हुई। इस फिल्म में अभय देओल ने बंटी के किरदार को निभाया। फिल्म के डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी इस फिल्म में बंटी को ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त वो जेल में था। बाहर आने के बाद बंटी ने बिग बॉस सीजन 4 में भी हिस्सा लिया। शो छोड़ने के बाद उसने एक बार फिर चोरी करना शुरू कर दिया। साल 2013 में
तिरुवनंतपुरम के एनआरआई बिजनेसमैन वेणुगोपाल नायर के घर से बंटी ने 50 लाख रुपए के सामान की चोरी की। उसने सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस डिवाइस को डीएक्टिवेट कर इस चोरी को अंजाम दिया। एक लैपटॉप, दो मोबाइल फोन और 28 लाख रुपए की एसयूवी लेकर वो वहां से फरार हो गया। होटल कर्मचारी की मदद से बंटी को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया। साल 2017 में इस मामले में तिरुवनंतपुरम कोर्ट ने बंटी को 10 साल की सजा सुनाई। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पी कृष्ण कुमार ने उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और उसे आदतन अपराधी भी कहा। 500 से ज्यादा चोरी करने के बाद आज देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी जेल की सलाखों के पीछे है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बंटी अपनी सजा के 10 साल पूरे करता है या यहां से भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है।